नमस्कार, मैं सोनल दत्ता न्यूज़ के साथ जुड़ा हूँ आप सभी के साथ फिर एक बार। हम लोग अभी हैं नागपुर में, नागपुर के दीक्षा भूमि पर हम लोग आए हुए हैं। जैसे दशहरा का माहौल अभी होने वाला है, दशहरा आने वाला है जिसे बौद्ध समुदाय कहता है धम्मचक्र प्रवर्तन दिन, और इसी के दिन बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने बुद्ध धम्म की दीक्षा ली थी अपने लाखों अनुयायियों के साथ। देश का धर्म कहा जाता है, बुद्ध धम्म कहा जाता है, जो अनेकानक देशों में फैला हुआ है, उस बुद्ध धम्म की दोबारा नींव इसी दीक्षा भूमि से रखी गई थी, जिसमें बाबा साहब ने अपने लाखों अनुयायियों को बुद्ध धम्म की दीक्षा दी थी। अभी फिर एक बार 63वां धम्मचक्र प्रवर्तन दिन देश मनाने जा रहा है। बहुत बड़ा आकर्षण रहता है दीक्षा भूमि, नागपुर की दीक्षा भूमि पे। एक आंकड़ा होता है कि 45 लाख से भी ज़्यादा लोग हर साल यहाँ पे आते हैं, कभी 50 के पार भी चला जाता है। बहुत बड़ा पर्व रहता है नागपुर के दीक्षा भूमि पर। अभी यहाँ पे तैयारियाँ चल रही है दीक्षा भूमि पे, लोगों के आने की इंतजाम किए जाते हैं, स्टॉल्स रहते हैं, बड़ा आकर्षण होता है। बहुत देश भर से लोग आते हैं। अभी भी आप देखोगे कि दो बस यहाँ खड़ी हुई है, स्टूडेंट्स लोग हैं जो सहल के नाम पर यहाँ पे आते हैं, दीक्षा भूमि को देखते हैं, और भी लोग हैं। कहाँ से आई है ये सहल? हम मंगरूपुर से आए, वासिम डिस्ट्रिक्ट से आए। यहाँ पे हम 90 बच्चे हैं। 90 कौन से कॉलेज से हैं? वाईसी कॉलेज से आए हुए हैं। वाईसी कॉलेज से? जी हाँ। कहाँ से बोले आपने? मंगरूपुर, वासिम डिस्ट्रिक्ट से आए हुए लोग हैं। भाई आप कहाँ से आए? मैं मध्य प्रदेश से, बहुत दूर से। कहाँ से आ जाओ यार? मध्य प्रदेश से भैया, ग्वालियर से। क्या नाम हुआ आपका? मैं विक्रांत। ग्वालियर से हैं। बड़ा फेमस रहता है यार ग्वालियर तो। यहाँ फेमस हमें मिला नहीं, जैसे हम जिस उम्मीद से आए थे वो मिला नहीं। जैसे क्या नहीं मिला आपको यहाँ पे? भीड़ नहीं मिली, खाली खाली शांति। अभी तो ये शुरुआत है ना, आज तो अभी इसकी शुरुआत है, आज इसकी तैयारियां चल रही है। जब आप देखोगे तो पैर रखने के लिए भी जगह नहीं होती है। दशमी पे बता रहे हैं लोग यहाँ पे, जैसा बता रहे हैं अच्छा मिलेगा। आए आप यहाँ पे? अभी तो एक हफ्ते का है पूरा ट्रिप है। कहाँ रुके हुए थे? अभी होटल में रुके हुए पे, समलवाड़ा पे। ग्वालियर बहुत ज्यादा जलता हुआ रहता है, दंगों में, भीड़ में ज्यादातर उसकी चर्चाई आती है, गोलीबारी की चर्चाई होती है। कैसा महसूस होता है वो? ग्वालियर पुराना ही इतिहास रहा है ग्वालियर का, चंबल वाले डाकू वाला सीन है। तो ग्वालियर में कभी मतलब ऐसी दिक्कत नहीं आई, पर ठीक है, अच्छा है, सिटी है। कहा जाता है कि हर घर में बंदूक रहती है, वो तो है, क्षत्रिय रहते हैं, ठाकुर रह रहे हैं, हम भी को तो वही है। हाँ। और चुनाव होने जा रहे हैं महाराष्ट्र के भी, अभी फिलहाल चुनाव है, तो उधर कैसा माहौल है फिर? नहीं अभी तो शांति, अभी ऐसा कुछ नहीं है। अब नहीं, वो दो चार लोग जैसे मिसअंडरस्टैंडिंग होती उनकी वजह से सीन क्रिएट हो जाता है, ऐसा कुछ नहीं है, बट ठीक है, अच्छा सिटी है, आप आ सकते हैं। आप नागपुर में आए तो कैसा लग रहा है? अब तो नागपुर में जॉब ही है, तो यही करना है, अब जॉब है। बढ़िया है। क्या नाम हुआ सर आपका? विक्रांत। ग्वालियर से है, आकर्षण रहता है दीक्षा भूमि का, तो घूमने आते हैं। आप कहाँ से आए भाई? हम मंगरूपुर से हैं। मंगरूपुर से आप आए? हाँ। कौन से कॉलेज से? हम हैं वाईसी कॉलेज से। क्या नाम है आपका? पवन ठाकरे। तो दीक्षा भूमि पे कैसे क्या फिर? हमारी टूर आई वाली है अभी, तो अभी हम जाएंगे, अब हम जाएंगे अंदर। आओ काका आओ। ये सर कहाँ से आए? आप कहाँ से? राजस्थान जयपुर से आए हैं। अभी इसी के लिए आए हैं दीक्षा भूमि पे? बिल्कुल, दीक्षा भूमि प्रोग्राम। शरद नाम है मेरा। अच्छा, तो आप पहली बार आए हैं? वैसे पहली बार। अभी आइए, साथ में फैमिली है पूरी। वैसे क्या सोचते हैं वहाँ से आने के बाद? मतलब ये हर साल तो होता ही है वैसे, लेकिन क्या ऐसा अलग है कि जिसकी वजह से आप यहाँ आते हैं? एक तो इसका स्ट्रक्चर बहुत शानदार है, दूसरा एक क्यूरियोसिटी थी कि भाई बाबा साहब अम्बेडकर का किस तरीके से स्मारक बना है, वो देखकर लगा बहुत अच्छा। और अभी बहुत इसके अंदर सुधार हो रहा है, अभी तब्दीलियां चल रही हैं, उसके बाद इसकी जो शेप आएगी उसके बाद एक बार और आने की इच्छा होगी। जैसे कि इस दीक्षा भूमि को इसलिए महत्व दिया जाता है कि बाबा साहब ने इसी दीक्षा भूमि पे बुद्ध धम्म की दीक्षा ली थी और बुद्धिज़्म में वो कन्वर्टेड हुए थे, तो इसके बारे में आप कितना जानते हैं? क्या जानते? नहीं, मेरी कोई जानकारी नहीं है, अभी मैं अंदर विजिट करके आया था तो मुझे जानकारी लगी है। इसके पहले आपको पता? इसके पहले जानकारी नहीं थी, बस इतना सा पता था कि बुद्ध धर्म के फॉलोअर हैं, लेकिन इस स्थान का क्या महत्व है वो तो यहाँ आकर ही पता लगा मुझे। यहाँ फोटोग्राफ एग्जीबिशन है, उसके अंदर मुझे फोटोग्राफ के जरिए सारी जानकारी लगी। उससे पहले सिर्फ मामूली जानकारी थी, सतही जानकारी थी कि भाई वो बुद्ध धर्म को फॉलो करते थे। अब ये नहीं पता कि दीक्षा भूमि पर उन्होंने जो है वो पहली बार जो है बौद्ध धर्म को अपनाया। एक और बहुत बड़ी चीज़ दीक्षा भूमि पर है, हर साल जो लोग आते हैं 40 लाख से ज़्यादा होते, कभी 50 लाख से भी ज़्यादा लोग यहाँ पे आते हैं, तो ये लोग जो होते हैं वो यहाँ से मूर्तियाँ लेके नहीं जाते, तो कोई फ़ोटोज़ लेने के जाते, तो वो लेके जाते किताबें,
ये बहुत बड़ी क्रांति है जो बाबा साहब के पर्व के बाद शुरू हुई थी, तो इसके बारे में आप क्या सोचते हैं? कितना पढ़ा है आपने? पढ़ा तो नहीं है, लेकिन इतनी जानकारी है कि बाबा साहब की क्रोनोलॉजी जो है वो खूब पॉपुलर है। स्टूडेंट्स जो हैं वो एग्ज़ामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इसकी पढ़ाई करते हैं, और एक पूरे समाज के अंदर बाबा साहब के प्रति जो लगाव है उसके चलते भी जो है, और जो सोसाइटी के लोग हैं स्टूडेंट के अलावा, फैमिली वाले हैं या कि बिजनेस क्लास है या कि सर्विस क्लास है, सभी जो है उसको बड़े चाव से पढ़ते हैं। मुझे लगता है कि एक अच्छा स्टेप है, और इन बुक्स को और फोटोग्राफ्स को या कि क्रोनोलॉजी को या कि प्रिंट मीडिया को और पॉपुलर करा जाए और इसकी एडवर्टाइजमेंट करी जाए, ताकि लोगों तक जो है इस बात की जानकारी पहुंचे कि क्या तो बाबा साहब थे, क्या बुद्ध धर्म था, क्या उनकी योगदान है कॉन्स्टिट्यूशन में, क्या इंडिया क्यों याद रखे उनको, उनकी क्या इम्पोर्टेंस है। तो यही एक वजह है कि बाबा साहब अपने आप अलग अलग उनकी मोमेंट के कारण वो ज़्यादातर प्रसिद्ध है। भारत का संविधान भी उन्होंने लिखा है इसी वजह से, नहीं तो इन लोगों को बुद्ध धर्म दिया है इस कारण से ज़्यादातर याद किया जाता है। अलग अलग तैयारियां चल रही है, दीक्षा भूमि में कुछ चीज़ें तब्दीली हो रही है, जैसे कि कंस्ट्रक्शन के काम भी हो रहे हैं, तो उस कारण से एक लाइटिंग का पर्पज़ जो हुआ करता था पहले अब थोड़ा सा कम दिखता है, क्योंकि हो सकता है कि डोम के ऊपर चढ़ने के लिए अभी कम किया गया हो, वरना दीक्षा भूमि देखने से ही बहुत ज़्यादा शानदार लगती थी ऊपर से। कैमरा पर्सन फरीन के साथ तत्काल न्यूज़ के लिए सोनल की रिपोर्ट। तत्काल न्यूज़ लाइव के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन प्रेस कीजिए।